नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। फरीदाबाद के बड़खल इलाके में स्थित जमाई कॉलोनी में नगर निगम का पीला पंजा चला, जिसने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। वहीं इस कार्रवाई के बाद पीड़ित लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस जमीन पर पिछले 15 से 20 सालों से रह रहे हैं, जबकि इस कार्रवाई के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसके कारण उनका आशियाना उनसे छिन गया। यहां तक कि उन्हें अपना सामान तक बाहर निकालने का मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले में स्थानीय निवासी सुनील कुमार, हरिचंद व संतराम ने बताया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने तथा उन्हें बेचकर मोटी कमाई करने वाले भू माफियाओं के चलते फरीदाबाद में अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण का कार्य तेजी पर है। जमीनों पर कब्जा करके उसे बेचकर मोटी कमाई करने वाले गरीबों को चूना लगाकर निकल लेते हैं और इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन सब में ये बात अहम है कि ये भू माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और उसे बेचने का जो खेल खेलते हैं, वह किसकी मिलीभगत का परिणाम है, ये तो जांच के बाद ही पता लग सकता है। वहीं नगर निगम फरीदाबाद के जेई सुमेर सिंह ने बताया कि तोड़फोड़ कार्रवाई से पहले इस इलाके के लोगों को नोटिस दिया गया था। ये सभी अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और इन्हें पहले भी तोड़ा गया था। आज भी इन अवैध निर्माणों के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक